मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैगिंग न देने की मांग करते हुए पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि इससे पाकिस्तान को फायदा होगा। पंजाब के सीएम के इस पत्र का आज मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर विरोध किया। उन्होंने कहा कि मैं पंजाब की कांग्रेस सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैगिंग देने के मामले में प्रधानमंत्री को लिखे पत्र की निंदा करता हूं और इसे राजनीति से प्रेरित मानता हूं। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने लिखा है कि मैं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से यह पूछना चाहता हूं कि आखिर उनकी मध्य प्रदेश के किसान बंधुओं से क्या दुश्मनी है। यह मध्य प्रदेश या पंजाब का मामला नहीं, पूरे देश के किसान और उनकी आजीविका का विषय है। सीएम शिवराज ने ट्वीट में यह भी कहा कि मध्य प्रदेश को मिलने वाले जीआई टैगिंग से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत के बासमती चावल की कीमतों को स्टेबिलिटी मिलेगी और देश के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश के 13 जिलों में वर्ष 1908 से बासमती चावल का उत्पादन हो रहा है। इसका लिखित इतिहास भी है। सिंधिया स्टेट के रिकॉर्ड में अंकित है कि वर्ष 1944 में प्रदेश के किसानों को बीज की आपूर्ति की गई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद ने अपनी उत्पादन उन्मुख सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्ज किया है कि मध्य प्रदेश में पिछले 25 वर्ष से बासमती चावल का उत्पादन किया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा के बासमती निर्यातक मध्य प्रदेश में बासमती चावल खरीद रहे हैं। भारत सरकार के निर्यात के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं। भारत सरकार वर्ष 1999 से मध्य प्रदेश को बासमती चावल के ब्रीडर बीज की आपूर्ति कर रही है। सीएम शिवराज ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ APEDA के मामले का मध्य प्रदेश के दावों से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यह भारत की GI एक्ट के तहत आता है और इसका बासमती चावल के अंतर्देशीय दावों से इसका कोई जुड़ाव नहीं है। इस मामले में MP के कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी पंजाब के मुख्यमंत्री के रवैये की आलोचना की है। पंजाब के मुख्यमंत्री के हम निंदा करते हैं, विरोध करते हैं, और कांग्रेस ने हमेशा मध्य प्रदेश के साथ धोखाधड़ी की है और इसका जवाब कांग्रेस के नेता दें, कमलनाथ जी दें कि क्या मध्य प्रदेश के किसानों के साथ कांग्रेस नहीं है। मध्य प्रदेश को बासमती का GI टैग मिलना चाहिए, इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, वो हमारी अपील स्वीकार भी हो गई है और निश्चित रूप से हम मध्य प्रदेश को GI टैग दिला के रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी कृषि मंत्री जी से भी मिले, प्रधानमंत्री जी से भी मिले और मध्य प्रदेश का अधिकार है और मध्य प्रदेश को हम GI टैग दिला के रहेंगे, लेकिन इसमें कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।